Recording started. Good morning, students. So today we are going to take one session on project documentation. It's very important session for your project point of view. This is the format of project documentation. I'll give you all the formats, so no need to anything you have to copy, note down or anything. But आप सिर्फ अभी यहाँ पे ध्यान से सुनो ये session में आपको क्या करना है project documentation में. First thing, प्रोजेक्ट जो है वो दो पार्ट्स में है, सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6. ओके, सो इन सेमेस्टर 5 यू हैव टू ओनली सबमिट योर डॉक्यूमेंटेशन. ओके, नो इम्प्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड. इन सेमेस्टर 6 यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट योर प्रोजेक्ट एंड देन यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंटेशन विद ऑल द इम्प्लीमेंटेशन. So it's clear that in semester 5 only project documentation is there and your project viva will be out of 50 marks and that will be done as per the instructions by the university. So it will be maybe in the last week of October or maybe in the first week of November. Okay, offline online koi bhi mode mein ho sakta hai, aisa nahi compulsory nahi hai. If it is offline then you will have to take a print out spiral bind karke aapko lana hai aur college mein submit karna hai. Only one copy, okay? Only your copy. So don't ask question ki kitni copies banani hai, agar hard copy banani hai to. Theek hai? Only one copy. Aapki jo khud ki copy hai, bas aapko wahi print lena hai. Okay? College does not want any hard copy. Now, second is, ye dekho, this is the format of your project. So you have to, don't change any of this format. Okay? Yahan pe just likha na, all the text in the report should be in टाइटल रोमन. तो ये आपको डिलीट करना है और यहाँ पर टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में आपको टाइटल लिखना है. फिर ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना बीच बीच में ब्रैकेट में से, वो सब आपको डिलीट करना है इसमें से. ठीक है, इट शुड बी इन ऑल कैप्स, टू लाइंस, 24 बोल्ड, ये सब आपको डिलीट करना है. देन अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड इन फाइनल पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री दैट इज बीएससी आईटी बाय नेम ऑफ द स्टूडेंट. सीट नंबर अभी आपको नहीं मिला है सेमेस्टर 5 का, तो आपको वो ब्लैंक रखना है. ठीक है, जब आपको सीट नंबर मिलेगा तो ये इस पे हाथ से लिखना है, अगर वो प्रिंट आउट होगा. अगर वो सॉफ्ट कॉपी है तो आप उस पीडीएफ में बाद में एडिट कर सकते हो. देन अंडर द गाइडेंस ऑफ करके यहाँ पे गाइड का नेम विथ करेक्ट स्पेलिंग यू हैव टू राइट. ओके, मेक श्योर दैट द स्पेलिंग्स आर करेक्ट. टेक कन्फर्मेशन फ्रॉम द गाइड. जैसे मेरा नाम महापात्रो है तो महापात्रा कर दिया, महापात्रो ए वो कर दिया, ऐसे वैसे नहीं चलेगा. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. टेक कन्फर्मेशन फ्रॉम द गाइड अबाउट द नेम स्पेलिंग एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑल आर असिस्टेंट प्रोफेसर. किसी का कुछ डेजिग्नेशन भी अगर आपको डाउटफुल है तो जस्ट टेक इट अगेन कन्फर्मेशन फ्रॉम द गाइड एंड देन द दिस पेज. ओके, ये सब ऐसे ही रहेगा. यहाँ पे आपको सिर्फ ईयर चेंज करना है, दैट इज 21 एंड दिस विल बी 22. ओके, 21-22 में आप सबमिट कर रहे हो इसलिए ये 21-22 हो जाएगा. देन सेकेंड पेज इज योर सर्टिफिकेट पेज. यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में ये डिलीट करके आपको अपना टाइटल लिखना है. नेम ऑफ द स्टूडेंट की जगह पे नेम, सीट नंबर विल रिमेन एज इट इज, जब ये आएगा तभी लिखना है. ठीक है, एंड इंटरनल गाइड कोऑर्डिनेटर, एक्सटर्नल एग्जामिनर, इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर, डेट एंड कॉलेज सीन. तो ये जो इंटरनल गाइड है ना, यहाँ पे उनका गाइड का सॉफ्ट कॉपी में साइन लेना है एंड इट विल बी फाइनल. ठीक है, तो आपको गाइड को भेजोगे ना तो गाइड विल इंसर्ट द सिग्नेचर एंड दे विल सेंड इट टू मी. सो वंस दे सेंड इट टू मी देन ओनली इट विल बी फाइनल. सो नो सबमिशन फ्रॉम द स्टूडेंट साइड. स्टूडेंट्स विल नॉट सबमिट मी एनी ब्लैक बुक डायरेक्टली, ओनली गाइड्स विल मेक द सबमिशन. इज इट क्लियर टू ऑल? सो मैं कोई स्टूडेंट से ब्लैक बुक नहीं मांगने वाली हूँ बिकॉज ओनली गाइड्स विल बी सबमिटिंग मी द ब्लैक बुक. ठीक है, उसके बाद थर्ड पेज ऑनवर्ड्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट ऑल द सर्टिफिकेट्स दैट आर रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट. वेदर यू हैव प्रिपेयर्ड एनी रिसर्च पेपर, यू हैव पार्टिसिपेटेड इन रिसर्च, तंत्र विहार, आविष्कार, समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट. सी इफ यू आर सपोज योर प्रोजेक्ट इज इन मशीन लर्निंग एंड यू हैव डन अ कोर्स ऑन मशीन लर्निंग, सो यू कैन अटैच योर सर्टिफिकेट हियर. ओके, अदरवाइज इफ यू आर डूइंग अ कोर्स ऑन क्लाउड और एनीथिंग ऑन एनी अदर टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, या फिर आपने IoT पे कोई सर्टिफिकेशन किया है, तो जो भी आपने सर्टिफिकेशन किया, अभी जैसे आपका वैक का कोर्स चल रहा है ना, तो मेनी स्टूडेंट्स दे आर डूइंग वैक कोर्स, तो अगर वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ना तो आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल दो वैक. ठीक है,
तो जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट रहेंगे उतना क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर एटलीस्ट 3 to 4 सर्टिफिकेट्स यू अटैच ओवर हियर वन आफ्टर अनदर, ओके। देन कम्स योर एब्स्ट्रैक्ट, सो फॉर योर इंटायर प्रोजेक्ट यू हैव टू राइट द एब्स्ट्रैक्ट, एटलीस्ट 2 pages एब्स्ट्रैक्ट यू हैव टू राइट। सो इफ एनीवन वांट्स टू नो अबाउट योर प्रोजेक्ट, इफ दे जस्ट रीड द एब्स्ट्रैक्ट दैट विल बी इनफ, इज इट क्लियर। 2 pages का आपको मिनिमम एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। फिर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एक्नॉलेजमेंट, यस एनीवन, एक्नॉलेजमेंट, व्हाई डू वी डू एक्नॉलेजमेंट, व्हाई डू वी राइट एक्नॉलेजमेंट, एनीवन, यस एक्नॉलेजमेंट क्या होता है ब्लैक बुक में। सी इफ सपोज फॉर डूइंग आवर प्रोजेक्ट इफ यू आर थैंकफुल टू समवन, ओके, वेदर इट्स आवर कॉलेज प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फैकल्टी, गाइड, ओके, सो वी कैन मेंशन इन द एक्नॉलेजमेंट। सो एक्नॉलेजमेंट हम लोग फॉर्मेट नहीं देंगे, यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन, ठीक है। तो ये एक्नॉलेजमेंट आपको लिखना है खुद से। देन नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट के बाद क्या आ जाएगा, डिक्लेरेशन। सो ये डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लैक बुक में, कि आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन देना है दैट दिस प्रोजेक्ट यू हैव क्रिएटेड इट इज योर ओन प्रोजेक्ट, दिस टाइप ऑफ सेम प्रोजेक्ट यू हैव नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर, इट इज नॉट बीन सबमिटेड इन एनी अदर यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ओके। सो फॉर पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ योर डिग्री दिस प्रोजेक्ट इज डन बाय यू एंड हियर यू हैव टू पुट योर डिजिटल सिग्नेचर, इज इट क्लियर। अगर आपने अपना नेम सिग्नेचर यहाँ पे नहीं डाला है देन दिस ब्लैक बुक इज नॉट वैलिड, ओके, बिकॉज आपको प्रोजेक्ट खुद से बनाना है, इट शुड बी योर ओन क्रिएशन, यू आर नॉट सपोज टू कॉपी फ्रॉम एनीवेयर। सो वॉट एवर यू आर वॉट एवर प्रोजेक्ट यू आर सबमिटिंग यू हैव टू गिव अ सेल्फ डिक्लेरेशन दैट दिस प्रोजेक्ट इज योर्स एंड यू हैव ओनली डन इट एंड यू आर सबमिटिंग इट, दिस सिमिलर प्रोजेक्ट इज नॉट मीन्स दिस सेम प्रोजेक्ट इज नॉट सबमिटेड इन एनी अदर यूनिवर्सिटी बाई एनी अदर पर्सन, ओके। यू हैव टू पुट योर डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर डाल के आपको गाइड को सबमिट करना है, ओके। देन कम्स द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। तो देखो ये जो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स है ना, ये मैंने इससे यूज किया है, मतलब वर्ड का फैसिलिटी है यहाँ पे, सेकेंड, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स इंसर्ट करने का है। तो ये इसमें आपको ना कोई चेंजेस नहीं करना है, इसमें जाके ना जैसे ही पेज नंबर वगैरह कुछ चेंज होगा ना, टेकिंग इंफॉर्मेशन अदर, यस दैट इज अलाउड, यस टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसोर्सेस इज अलाउड। अगर आप कहीं से कॉपी करते हो ना तो प्लीज राइट इन रेफरेंसेस दैट यू हैव टेकन इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जर्नल, दिस पर्टिकुलर वेबसाइट और वॉट एवर रेफरेंसेस यू हैव टेकन, ओके। तो ये जो पेज है ना कॉन्टेंट्स का पेज, इसमें कोई कुछ चेंजेस नहीं करेगा। इसको क्या करना है, जब आपका ब्लैक बुक जैसे जैसे पेजेस, देखो अभी यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन पेज नंबर 12 पे है, ठीक है। अगर आपका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, ये सब के पेज नंबर जब चेंज होंगे ना, तो आपको सिर्फ ये इस पे क्लिक करके अपडेट एंटायर टेबल, ठीक है, अपडेट एंटायर टेबल करना है। सो दिस टेबल विल गेट अपडेटेड, इज इट क्लियर। जो भी पेज नंबर के चेंजेस हो गए ना दैट विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड, बिकॉज ये पहले हम लोग स्टूडेंट से करवा के लेते थे, दे यूज टू क्रिएट दिस टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, नाउ वी हैव पुट इट, जस्ट यू हैव टू अपडेट, ओके, नथिंग यू हैव टू डू इन दिस। और इसके जो कॉल ये टाइटल्स है ना, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करना है, बिकॉज यही टाइटल्स में मुझे ब्लैक बुक पूरा कंप्लीट चाहिए, ठीक है। नाउ आई विल शो यू हाउ दिस इंडेक्स कॉन्टेंट्स आर रिलेटेड टू द एक्चुअल कॉन्टेंट्स ऑफ द ब्लैक बुक। देखो लिस्ट ऑफ टेबल्स, सो इफ सपोज यू आर हैविंग सम टेबल्स इन योर ब्लैक बुक, सो यू कैन पुट द लिस्ट ओवर हियर। जैसे मैंने टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स बनाया ना, वैसे ही आपको टेबल, लिस्ट ऑफ टेबल्स बनाना है, एंड यू हैव टू राइट वॉट इज देयर इन द टेबल। सेम वे यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ फिगर्स, सो नेक्स्ट पेज इज योर लिस्ट ऑफ फिगर्स। सो दिस इफ यू आर हैविंग फिगर्स इन योर ब्लैक बुक, यू हैव टू क्रिएट द लिस्ट ओवर हियर, ओके। नाउ बेसिक वो दो पेज छोड़ दो, बेसिक है आपका कंटेंट्स, और यहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। सो प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन
पेज फॉर्मेट, ये जो ब्रैकेट्स में कुछ जो भी लिखा है ना, ये सिर्फ आपको डिलीट करना है, ठीक है? बिकॉज वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ये पेज में आपको क्या करना है. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर इज योर इंट्रोडक्शन. ओके, सो हियर यू हैव टू राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट. सो मिनिमम 4 pages ऑफ इंट्रोडक्शन विल बी देयर, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, बैकग्राउंड. ओके, तो यहाँ पे ना सब हम लोगों ने हेडर क्रिएट किया हुआ है. देखो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, सो दिस इज शोइंग, इट इज हेडिंग 1. ओके, देन इनसाइड दिस इट्स हेडिंग 2. ओके, सो हेडिंग्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड, आपको सिर्फ इसके नीचे कंटेंट्स लिखना है, ठीक है? जैसे मैंने इस पे कंटेंट्स लिखा, फिर मैंने ऐसे एंटर किया, यहाँ पे कंटेंट्स लिखा, इधर मैंने एंटर किया, ठीक है? सो आई विल गो ऑन टाइपिंग द कंटेंट. सपोज आई माय कंटेंट्स गोज टू 3 to 4 pages. ओके, सो आई विल शो यू. यहाँ पे देखो मैंने पेज ब्रेक दिया है. सपोज मेरा पेज अभी ऑब्जेक्टिव्स कौन से पेज पे है, पेज नंबर 12. ओके, ऑब्जेक्टिव्स आर ऑन पेज नंबर 12. तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव्स एडिट करने हैं. तो ये पेज नंबर 12 पे मेरे ऑब्जेक्टिव्स है 1.2. सो वंस यू आर डन विद द एंटायर ब्लैक बुक, इसका क्या करना है, एक मास्टर कॉपी सेव करके ही रखना, बिकॉज वो बार बार आपका चेंजेस हो जाएगा नहीं तो, ठीक है? सो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके क्या करना है, अपडेट टेबल. ओके, अगर देखो ये ऑब्जेक्टिव सभी पेज नंबर 11 पे दिख रहा है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेज नंबर 11 दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे अपडेट करना है. सो ऑटोमेटिकली द ऑब्जेक्टिव्स विल गो टू पेज नंबर 12. सबका पेज नंबर ऑटोमेटिक चेंज होगा, ठीक है? सो डोंट हैव टू वरी अबाउट पेज नंबर, जस्ट यू हैव टू अपडेट द टेबल ऑब्जेक्टिव्स पेज नंबर 12. उसके बाद के सारे भी वो ऑटोमेटिकली पेजेस में चले गए. सो इज इट क्लियर टू ऑल? यस, कैन आई गेट अ फीडबैक रिप्लाई दैट अप टिल दिस इज इट अंडरस्टूड और नॉट? Thank you. The best part of this will be if you complete your black book and you will submit it to me. Means all the 300 students, if they complete the black book, everything हम लोगों ने आपको ना, हम सब कुछ दे देंगे. बस मुझे वो 300 black book जिस दिन submit होंगे ना, that day only I will say that our session is successful. Otherwise, yes. So यहाँ पे आपको सबको समझा? मोस्ट ऑफ यू आर रिप्लाइंग दैट यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, तो अभी पहला हो गया. यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने बैकग्राउंड लिखना है प्रोजेक्ट का, दैट इनिशियली व्हाट वाज द सिस्टम एंड नाउ व्हिच सिस्टम इज बीइंग यूज्ड. मतलब बैकग्राउंड क्या है प्रोजेक्ट का, वेदर वी आर वर्किंग ऑन अ मैनुअल सिस्टम एंड नाउ वी आर मेकिंग इट ऑटोमेटिक. सो ऑल दिस यू हैव टू मेंशन. देन सेम वे यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर प्रोजेक्ट. सो 3 to 4 क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए प्रोजेक्ट के. इफ यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट फॉर ट्रैफिक एनालिसिस, सो टू एनालाइज द ट्रैफिक, टू रिड्यूस द ट्रैफिक इन पीक आवर्स, ऐसे करके आपके 2-3 क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है? देन नेक्स्ट यू हैव टू राइट व्हाट्स द पर्पस, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी. मतलब व्हाई यू आर क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट, इज देयर एनी, आर द पीपल रियली फेसिंग सम प्रॉब्लम्स? अगर ट्रैफिक का प्रोजेक्ट है तो यू हैव टू मेंशन दैट यस, बिकॉज इन द पीक आवर्स पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम विद द ट्रैफिक, दैट इज द रीजन आई हैड क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट. ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि आप, मतलब आपका प्रोजेक्ट तो अच्छा होगा ही, बट उससे उतना ही इम्पोर्टेंस आपको डॉक्यूमेंटेशन को देना है. हम लोग क्या करते हैं, सब चीज अच्छे से करते हैं. हमारे यहाँ पे VSID में पहले यही होता था, हम लोग इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करते थे, बट डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग रह जाते थे पीछे. हम लोग डॉक्यूमेंटेशन उसको अच्छे से नहीं करते थे. तो डॉक्यूमेंटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? You have to write your purpose, then scope. Scope मतलब ये project में आप क्या क्या कर सकते हो, that you have to write, and applicability. So basically it's your feasibility study. मतलब ये जो project है ना, ये feasible है कि नहीं. Okay, अगर आप कोई project, कोई भी project आप suggest कर रहे हो, that yes, this using this project you will be able to monitor the traffic. So is it possible or not?
you have to mention. Suppose I am saying that we can control the crowd using a camera and all that module, and we can implement in our college. So we have to find out its feasibility, that what's the range of camera, and if suppose the camera is placed, which all prominent locations it should be placed, so that it will be feasible. Or फिर उसको cost कितना आएगा वो भी आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है? Because अगर project है तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, जनरली कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, तो कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है वो भी लिखना है. देन सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजीज, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, ये तो बहुत अच्छे से बच्चे लिखते हैं. क्यों, रीजन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रीजन? अनम्यूट करके बता सकते हो? इसमें तो बच्चे 10 पेज लिख लेंगे. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट 10 पेजेस ऑन दिस सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजीज. व्हाई, कैन एनीवन अनम्यूट एंड टेल मी क्विकली? नहीं, देखो आपको क्या लिखना है इसमें, सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजीज, मतलब अगर आपने आर्डिनो चूज किया तो व्हाई रास्पबेरी पाई यू हैव नॉट टेकन, व्हाई अदर माइक्रो कंट्रोलर्स यू हैव नॉट टेकन, जस्ट उसको गूगल करना है और फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट, बट यू शुड राइट इन योर ओन वर्ड्स, बट दिस इज सिंपल वे. अगर आपने एंड्रॉयड चूज किया है तो व्हाई यू हैव टेकन एंड्रॉयड ओनली एंड व्हाई नॉट अदर ऑल टेक्नोलॉजीज, तो हर टेक्नोलॉजी के बारे में लिखो एंड देन यू हैव टू राइट अ कंक्लूजन दैट व्हाई यू हैव टेकन ओनली एंड्रॉयड. ओके, इफ यू आर यूजिंग कॉटलिन then you will write about all the technologies and why you have selected Kotlin. So it's very simple. यहाँ पे आपको सिर्फ Google करना है 5-6 technologies, जो same technologies जिसपे project बनते हैं and you can work on it. Then you have to just write why you have chosen this particular technology and not any other technology. So easily you can write here 3-4 pages. Okay, then comes your requirement and analysis. So यहाँ ये अगर documentation आपको एक documentation minimum ये 50-60 pages का होगा. देखो मैं जो document forward करने वाले हूँ, this is 24 pages. Okay, so if you add or keep on adding your contents, it will easily become 50-60 pages. So if you want, you divide it, do it, and then combine chapter wise. Then chapter number 3, it's about requirement and analysis. Okay, so requirement and analysis, what we have to write here, requirement analysis, see, we have to write the problem definition. Okay, problem definition means which problem we are going to solve using this method. Then we have to write the requirement specifications, what all we need for making this project. Okay, so what's the requirement from the user, whether the user wants a mobile app, whether the user wants an IoT project or a web application, and what all requirement is there, that yeah, there should be a web application which will work on the computer, and then people will be able to give some inputs and it will be able to give the output. So what inputs are required, that all you have to mention in requirement analysis. Then this is also very very important, planning and scheduling. Can anyone tell me what will come in planning and scheduling? SPM का lecture सब लोग अच्छे से attend करते हो, I know. How many of you can tell me what is required in planning and scheduling? What will be there in planning and scheduling? Planning and scheduling, yes. Which all diagrams will be there? Yes, very good. So some students, they have written Gantt chart. Very good. So you have to put here Gantt chart. Okay, आपको यहाँ पे Gantt chart और PERT, ये दो चीजें डालनी है. You can explain what is mean by requirement and what is mean by scheduling, but what you have to put here, PERT and Gantt chart, because both these charts are required for planning and scheduling. Okay, now we know that you again PERT का भी होगा फॉर्मेट हम लोग देंगे, ठीक है? PERT चार्ट और गैंट चार्ट का हम लोग फॉर्मेट देंगे, आपको सिर्फ उसमें कंटेंट्स डालने हैं. तो कंटेंट्स डालना है और कंटेंट्स यहाँ पे फिर कॉपी करना है, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल. सो टू मोर पेजेस आई विल बी प्रोवाइडिंग, 24 का भी 26 हो जाएगा, बिकॉज आई विल बी प्रोवाइडिंग टू मोर पेजेस, राइट? नाउ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, यस, व्हाट विल बी अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट? 5 GB रैम, 1 TB hard disk. In this way you are going to write, or what you are going to write? Yes, any idea about software and hardware requirement? क्या लिखना है मुझे? Because see, external examiner जब आपको Viva लेगा ना, they are going to ask this question only, that this your project require 5 GB RAM, 10 GB RAM,
and 1 TB hard disk. Is it? So what should I write here? Can anyone tell me what should I write here? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में मुझे क्या लिखना है. ये भी, ये वाला भी अगर IoT का प्रोजेक्ट होगा ना तो उसमें बहुत अच्छे से, हाँ, फ्रंट एंड बैक एंड, वेरी गुड. सो व्हाट यू आर सपोज टू राइट हियर, फ्रंट एंड बैक एंड. आपका फर्स्ट ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का दो पार्ट हो जाएगा, फ्रंट एंड बैक एंड. फ्रंट एंड में आपको क्या लिखना है कि आपके कौन से सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, ठीक है. सो वेदर यू रिक्वायर इट और नॉट, और उसमें फ्रंट एंड बैक एंड में भी, फ्रंट एंड में सपोज यू आर राइटिंग .NET, सो बैक एंड इट विल बी योर MySQL, बट कौन सा वर्जन, हाउ मच कैपेसिटी ऑफ योर, हाउ मच मिनिमम हार्डवेयर यू रिक्वायर फॉर रनिंग दैट एप्लीकेशन यू हैव टू मेंशन. सो डोंट मेंशन दैट 5 GB RAM, 1 TB hard disk, 10 TB hard disk, this, that. You have to mention the minimum requirement. So, वो आप Google करके यहाँ पे डालो. जैसे अगर suppose मुझे .NET run करना है मेरे laptop पे, तो मुझे कितना GB का RAM minimum चाहिए? It's whether it's 1 GB RAM is minimum required, so I can put 1 GB, so that the decently the project will run. But I should not write 10 GB. Okay, ऐसे मतलब Google करो और properly minimum hardware requirement you have to write. Okay, is it clear? Hardware requirement is actually your minimum software and minimum hardware requirement you have to write. So we are not mentioning, but remember it, it is minimum. Minimum hardware kya hona chahiye? It's good if I have more than that, but minimum what I should have. Okay. Now system design, isme kya karna hai aapko? Basic modules. So abhi aapke project mein kitne modules hai? Abhi modules kya hote hai? हमारे प्रोजेक्ट में कितने पार्ट्स हैं? ओके, सो पार्ट्स, बेसिकली पार्ट्स आर कॉल्ड योर मॉड्यूल्स. इफ सपोज आई एम हैविंग अ यूजर मॉड्यूल, आई एम हैविंग अ एडमिन मॉड्यूल, आई एम हैविंग अ दिस फॉर एनी हार्डवेयर कंपोनेंट, आई एम हैविंग अनदर मॉड्यूल. सो यू कैन राइट, छोटा प्रोजेक्ट होगा तो देर विल बी वन और टू मॉड्यूल्स, नॉट मोर देन दैट. सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय राइटिंग स्टूडेंट, टीचर, क्लास, दिस, दैट. सो देर विल, देर आर 10 मॉड्यूल्स. इफ देर आर 10, यू राइट 10, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. किसी का बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो 10 मॉड्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली सबके एक या दो या तीन मॉड्यूल्स होंगे, ज्यादा नहीं होंगे. ठीक है, सो डोंट टेक टेंशन कि मेरे को 5 नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है. जितने मॉड्यूल्स हैं उतने आपको लिखना है, ठीक है, बिकॉज टॉपिक तो सबके ही अप्रूव है. तो यू हैव टू मेंशन दैट 2 or 3 मॉड्यूल्स दैट यू आर हैविंग इन योर प्रोजेक्ट. सो बेसिकली दोज आर, यू कैन से दैट हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन योर प्रोजेक्ट. ओके, सपोज इट्स एन IoT प्रोजेक्ट. ओके, तो लास्ट टाइम मेरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने IoT का प्रोजेक्ट बनाया था. दे हैव क्रिएटेड अ वेयरहाउस विच इज बींग मॉनिटर्ड continuously, and suppose there is some problem, there is some fire, or there is some water logging, or something is detected, so immediately phone will go to the, automatically 3 phones will start ringing and there will be email sent. So unke pas kitne module ho gaye, there will be 1 module which will be doing the monitoring and 2nd module which will be working during emergency, and then there is a, these 2 separate basic modules are there. नाउ डेटा डिजाइन, डेटा डिजाइन में क्या है, आपको टेबल डिजाइन लिखना है. ओके, व्हाट इज योर टेबल डिजाइन, देन यू हैव टू राइट योर स्कीमा डिजाइन एंड द डेटा इंटीग्रिटी एंड कॉन्स्टेंट. सो हर एक टेबल में आपने कुछ इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स डाले हैं, दैट यू हैव टू मेंशन हियर. देन इन द डायग्राम्स, डायग्राम्स में क्या होगा, जो हमने जो लिस्ट डाला है ना, दैट इज द एग्जॉस्टिव लिस्ट. सो नॉट नेसेसरी दैट ये डायग्राम आपके इसमें होगा ही. अगर आपके यू आर नॉट वर्किंग ऑन डेटाबेस, सो दिस ERD वोंट बी देयर. ओके, क्लियर? ERD फिर आपको डिलीट करना है. ओके, एंड देन अकॉर्डिंगली योर नंबरिंग्स विल आल्सो चेंज. ये हो जाएगा 4.3.1, 4.3.2, ऐसे चेंज हो जाएगा. तो ERD जिसके, जिसका भी डेटाबेस या ऐसा प्रोजेक्ट है, तो दे विल बी हैविंग अ ERD. बाकी जो स्टूडेंट्स है ना, वेदर इट्स योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट और एन IoT प्रोजेक्ट, यू विल बी हैविंग अ ब्लॉक डायग्राम. सो आइदर यू विल बी हैविंग दिस ERD और यू विल बी हैविंग द ब्लॉक डायग्राम, एनी वन ऑफ दिस. देन सेकेंड इज द क्लास डायग्राम और द डेटा फ्लो डायग्राम. So any one of these 2 diagrams will be there. Then you are having a use case diagram. Okay, so use case diagram, you all know software engineering में आपने पढ़ा है actors, then functions करके आपको use case diagram बनाना है.
then you are having a sequence diagram. So whatever is your sequence diagram, you have to create. Then जैसे कि अगर login है तो login के लिए क्या होता है, user will enter password, then the password will go to the system, user will enter the username, then the password and will click on sign in or okay. तो वो क्या होगा, data server को जाएगा, server will check it in the database, then it will send, if it is an incorrect password, user will send invalid password, otherwise the user will send that welcome to this. Okay, तो वो जो activity diagram है ना, वो आपको sequence diagram वो पूरा बनाना है, हर एक एक्टिविटी का क्या सीक्वेंस है, देन यू हैव टू क्रिएट द एक्टिविटी डायग्राम. सो ऑल दिस डायग्राम्स यू कैन गूगल एंड यू कैन फाइंड आउट व्हाट इट इज. इफ यू वांट स्टार यूएमएल का ना छोटा सा एक छोटा छोटा वीडियो देखो और उसके सेशंस अटेंड करो, सो यू विल कम टू नो हाउ टू मेक दिस डायग्राम्स. देन कम्स योर कॉम्पोनेंट डायग्राम. सो हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स आर देयर इन योर प्रोजेक्ट, यू कैन जस्ट कंबाइन एंड यू कैन क्रिएट द कॉम्पोनेंट डायग्राम. देन मेन्यू ट्री. Why it's important? Because initially, tentatively, suppose you are having a project, you have planned your project, so which menu items you have planned, you can put it in the menu tree. If it's an IoT, they can put the circuit diagram over here. Okay, component diagram mein, they can put the components. Then event table. Yes, event table, if it's there, you can put it. Matlab hamare yahan pe kitna, hamare project mein kitne events hai, that you have to find out and create a event table. Then comes your user interface design. So I had already told you that if it's a software project or it's an IoT project or it's an AI project, we are first creating some interface, either in Word or on paper. You may create the interface just to take the approval from guide or from the user. So those interface screens, you can put it here in interface. Okay, then comes your security issues. Security issues में आपको लिखना है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं. ओके, एंड देन टेस्ट केस डिजाइन. सो इनिशियली यू विल बी डिजाइनिंग एट लीस्ट 5 to 10 टेस्ट केसेस एंड यू हैव टू राइट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ दोस टेस्ट केसेस एंड यू हैव टू पुट इट हियर इन द टेस्ट केस डिजाइन. देन रेस्ट पार्ट, ये सब हो जाएगा तो आपका मोस्टली 45 to 50 पेजेस तो डॉक्यूमेंटेशन के कम्प्लीट हो जाएंगे, ऑल इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम टाइटल पेज टिल हियर 45 to 50 pages हो जाएंगे. क्योंकि देखो 24 pages यहीं पर है, प्लस मैं दो देने वाली हूँ तो 26 pages तो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ. आप अगर उसमें डेटा फिल करोगे फॉर everything 2 to 3 pages, then automatically it will become 50 or more than that. Now comes your references. So see, it's very very important that whatever citations you have done, you have to do the citations of whatever references you have taken, whether it's your web application, या फिर आपने किसी का black book refer किया है, या फिर आपने कोई course के लिए पढ़ा है, जो भी आपका references है ना, you should put. Otherwise क्या होता है, वो project valid नहीं होता है. ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है ना रेफरेंस डालने का, दिस ऑल्सो यू कैन लर्न दैट हाउ टू पुट द रेफरेंस. देर आर वेरियस फॉर्मेट्स. देखो यहाँ पे रेफरेंसेस डालने के लिए स्पेशल टेक्निक्स भी है, यूजिंग दैट इफ यू वांट यू प्लीज पुट इट, बट दैट इज अगेन अ डिफरेंट सेशन. मुझे उसके ऊपर 1 घंटे का सेशन लेना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं लूंगी अभी. बट यहाँ पे देखो, मैनेज सोर्स करोगे ना, एंड जस्ट शोइंग यू ये मैनेज सोर्स. So those who are interested, they can actually go for it, because it's a very very important thing in putting the references. देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, already कुछ references word में से copy करके रखे, जैसे कि web reference हो गया, ये सब अगर मुझे ये अभी मेरे project में यहाँ पे use करना है, ठीक है, so I'm taking suppose 3 references. I have added these 3 references. देखो वो references कैसे दिखता है, वो भी दिखा रहा है. ठीक है, so now I have, what I can do is, यहाँ पे मैं जाके सिर्फ insert करूँगी ना references में bibliography and references में किसी को difference पता है? You know any difference between bibliography and references? See, bibliography क्या होता है कि हमने जो भी websites use किया ना, हमको वो सब लिखना है, लेकिन whether we have used it in our documentation or not, but we have to mention everything. References मतलब जो भी हम लिस्ट दे रहे हैं, that we have to compulsory use in our documentation. देखो, ये एक reference का format है. This is the format of inserting references. Is it clear?
बट इसके ऊपर आप एक छोटा सा वीडियो देख लो यूट्यूब पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है रेफरेंसेस. तो अगर सपोज मैंने ये पहला पेपर, मैंने ये सपोज ये पहला पेपर यहाँ पे कहीं पे यूज किया अपने प्रोजेक्ट में, तो आई हैव टू जस्ट क्लिक हियर एंड आई हैव टू इंसर्ट साइटेशंस. दिस पर्टिकुलर पेपर सपोज आई हैव यूज्ड, तो ये साइटेशन मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया. तो किसी को भी देखने वाले को समझ में आता है कि ये वाला जो लाइन है वो मैंने इस पर्टिकुलर पेपर से लिखा है. और फिर उसके बाद आपके पास अलग अलग स्टाइल है. देखो एपीए है तो आप एपीए पे लिख सकते हो. एक्चुअली इसके ऊपर ज्यादा नहीं बताती हूँ, जिसको इंटरेस्ट होगा वो लोग बाद में इस पे सर्च कर लेंगे. तो अगर आपको IEEE फॉर्मेट पे चाहिए तो यू कैन गो फॉर IEEE. ठीक है, जस्ट फॉर्मेट देखो, अभी ये 1 2 3 4 के मेथड में आ गया. बट नहीं करना है तो डोंट वरी. ओके, आई एम जस्ट प्रेसिंग कंट्रोल जेड चेंजेस रिसर्च पेपर्स यू हैव रेड, और अदरवाइज यू सर्च फॉर द रिसर्च पेपर्स एंड गिव द रेफरेंसेस ओवर हियर. Okay, so you'll get many things on related to your project. Then comes your bibliography, additional reference, मतलब जिसको आपने इधर use नहीं किया but आपने पढ़ा है, that you can write it here bibliography में. Then whichever websites used, so whenever you are using web references, so make sure that you mention the date and date time as well, because URLs means the websites, it will keep on changing. Okay, books है या फिर research papers है, तो एक बार वो लिख दिया तो that is fixed, it will not change. बट वेबसाइट्स क्या होता है, उसमें डेटा हमेशा चेंज होता रहता है, तो वो यूआरएल आपने कब एक्सेस किया था दैट डेट यू हैव टू मेंशन. ओके, देन नेक्स्ट इज ये सब ग्लॉसरी टर्म्स है, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो. ओके, ये सब कंपलसरी नहीं है बट इफ यू वांट यू कैन क्रिएट अपेंडिक्स एक्स्ट्रा पेजेस विद द ब्लैक बुक. इफ यू वांट यू कैन क्रिएट, यू कैन राइट द समरी ऑफ योर प्रोजेक्ट. सो दिस इज ऑल्सो कंपलसरी दैट यू राइट द summary of your project. Okay, then for the reading you can write down some more references which will help you for to further understand the project or to enhance your project. Okay, now comes a very important thing, that is plagiarism report. Okay, so plagiarism क्या है, स्टूडेंट्स जनरली सब कॉपी करते हैं, बट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यू ऑल नो दैट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई हैज गॉट A++ ग्रेड इन NAT. Recently, they have got the grade around 3.67 ka ratings. Okay, so it's a very big achievement for Mumbai University and a very big achievement for you all, isn't it? Because aapki jo degree milegi na, usme likha hai na clearly that it's a degree from University of Mumbai. Okay, so you people are very lucky that the University of Mumbai is having A++ grade in NAT. क्वालिफिकेशन हो चुके तो इसलिए मुझे चांस नहीं मिला. बट आपको आपका बहुत अच्छा है, you are getting a degree from University of Mumbai, okay, which is having A++ grade in NAT. अब इसी साल इनको मिला है. तो ये जो है ना plagiarism, ये बहुत important है कि आप किसी से भी copy ना करो, okay? और maximum जो allowed range है ना वो 10 to 15% है. इसलिए जब भी आप project बनाओगे तो आपको क्या करना है, कोई भी जो प्लेगरिज्म चेकर है उस पे आपको अपना डालना है रिपोर्ट, एंड यू हैव टू गेट अ कंफर्मेशन दैट योर कंटेंट इज 100% ऑथेंटिक और 100% मींस इट इज नॉट प्लेगराइज्ड. प्लेगरिज्म इज लेस, मतलब 10 to 15% से ज्यादा प्लेगरिज्म नहीं होना. तो ये रिपोर्ट आपको यहाँ पे एंड में डालना है. इज इट क्लियर टू ऑल? यस, इट्स कंपल्सरी बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटी का ना ये रिक्वायरमेंट होता है कि दैट वी आर नॉट कॉपिंग द कंटेंट्स फ्रॉम एनीवन, वी आर नॉट अलाउड टू कॉपी द कंटेंट्स. सो मुंबई यूनिवर्सिटी इज आल्सो वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. जो भी आप लोग ब्लैक बुक भेजोगे ना दैट ऑल विल बी सेंड टू यूनिवर्सिटी, एंड यूनिवर्सिटी विल चेक वेदर यू हैव पुट द प्लेगरिज्म रिपोर्ट और नॉट. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल. को समझ में आया कि नहीं, व्हाट इज मीन बाय प्लेगरिज्म? यू आर नॉट सपोज टू कॉपी फ्रॉम एनीवन. किसी को समझा?
Yes, very good, very good. I hope everyone has understood it. Please get reply in the chat box if you have understood. कभी भी प्रोजेक्ट होता है ना वो अपना खुद का क्रिएशन होता है, तो एक एक पेज हमको खुद से लिखना है. वी आर नॉट सपोज टू कॉपी फ्रॉम एनीवन. ओके, और मुंबई यूनिवर्सिटी इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. दैट इज व्हाई दे हैव गॉट ए प्लस प्लस ग्रेड. और आपके भी डिग्री पे लिखा जाता है ना कि यू हैव रिसीव्ड द डिग्री, वी हैव डन योर ग्रेजुएशन इन विद्यालंकार कॉलेज एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई. ओके, सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू ऑल. तो प्लेग्रेजम पे आपको बहुत ध्यान देना है. ठीक है, और कोई कोई कॉलेजेस में ना इस पे बहुत स्ट्रिक्ट है. सो व्हाट दे आस्क इज यू हैव टू गो टू सम कॉलेज. मतलब अभी हमारे कॉलेज में प्लेगरिज्म चेकर नहीं है. ठीक है, तो अगर सपोज दैट दैट इज अवेलेबल इन सम अदर कॉलेज और इफ इट इज अवेलेबल इन यूनिवर्सिटी, सो दे आस्क दैट यू हैव टू गो टू दैट यूनिवर्सिटी. दे आर हैविंग सम मिनिमम फीस, से 500 to 1000. यू हैव टू पे दैट फीस एंड यू हैव टू गेट योर डॉक्यूमेंट चेक. प्लेगरिज्म चेक करके आपको वहां से लाना है. दे विल गिव यू अ सर्टिफिकेट दैट योर कंटेंट में कितना प्लेगरिज्म है, 10%, 15%. तो दैट सर्टिफिकेट यू हैव टू अटैच योर. ठीक है, तो उसमें पूरा वो डॉक्यूमेंटेशन में एवरीथिंग विल बी देयर. मतलब कितना कौन सा कंटेंट्स आपने कहाँ से कॉपी किया है. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट कॉपी इट. अगर आपने कॉपी किया तो फिर आप प्लेगरिज्म में प्रॉब्लम आएगा आपको. क्लियर? सो आई हैव कम टू एंड ऑफ माई डॉक्यूमेंटेशन. नाउ आई विल शो यू द अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर इम्पोर्टेंट. सबके प्रोजेक्ट पार्टनर है कि नहीं पहले चेक कर लो. सबके प्रोजेक्ट पार्टनर है मतलब I'm only able to reach this 100 and कितने students हैं यहाँ पे meeting में 114. मतलब only 70 to 80 projects I'll be getting the submission. Yes, yes. So now you all can see the Gantt chart over here. तो देखो Gantt chart में आपको क्या बनाना है. Gantt chart में 3 colors होते हैं, red, ग्रीन एंड येलो. ओके, तो अगर ग्रीन है मतलब जहां पे भी एक्टिविटी प्लान थी एंड इट इज कंप्लीटेड दैट इज ग्रीन. ओके, समटाइम्स वी आर प्लान बट वी हैव गॉट डिलेड बाय सम रीजन, सो वी कैन पुट इट येलो. एंड सपोज वी हैव प्लान बट नॉट कंप्लीटेड, सो वी कैन पुट इट रेड. तो अभी है ना हमने वो रेड और ग्रीन का ऑप्शन रखा ही नहीं है. व्हाई? बिकॉज if we keep those options then you all will be making lots of mistakes. okay, to maine kya rakha hai, sirf ek hi option rakha hai ki aapko green karke de rahi hu main Gantt chart. okay, abhi isme aapko kya karna hai, first project idea means you have worked for 13 to 14 weeks in the entire semester on your project. okay, so each and every yahan pe dekho semester 5 ka bhi documentation Gantt chart hai aur semester 6 ka bhi. ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ सेमेस्टर 5 का Gantt chart देखना है. तो प्रोजेक्ट आइडिया फाइनलाइजेशन, ये देखो यहाँ से क्या करना है. वीक 1 and 2 सपोज यू हैव फाइनलाइज्ड योर आइडिया, देन सेकंड इज रिक्वायरमेंट. सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव सर्वे द लिटरेचर, देन यू हैव टू फाइंड द फीजिबिलिटी एंड नीड वैलिडेशन, देन यू हैव स्कोप फ्रीजिंग यू हैव डन. ओके, सो व्हिचएवर thing you have done in week 3, week 4, you have to make it green. Is it clear? ऐसे ऐसे आपको green करते करते जाना है ये Gantt chart को. अगर suppose मैंने UML diagrams, I had suppose created it in UML diagrams. यहाँ पे मैंने week 6, 7 दोनों में किया है, so I have to just fill it with green color. Is it clear? ERD कभी बनाया?
गैंट चार्ट कभी बनाया तो आपने अभी बनाया नहीं, पेपर पे नहीं डाला होगा, बट आप लोगों ने थोड़ा सा तो अपने ये फाइनलाइज तो किया होगा ना, दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड देन ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान एंड वीकली रिव्यू और डिस्कशन विद द गाइड. सो वेर विच एवर वीक यू आर मेट योर गाइड और डिस्कस द प्रोजेक्ट विद योर गाइड. सब लोग पार्टिसिपेंट्स है क्या? चेंज करती हूँ. यस स्टूडेंट्स, सो आई होप गैंट चार्ट सबको क्लियर है ना. जस्ट अ मिनट, शायद वो मैंने मीटिंग ऑप्शंस चेंज नहीं किया है ना. यस, सो स्टूडेंट्स गैंट चार्ट का जो है ना वो आपको क्या करना है, एज इट इज लेके वो ब्लैक बुक में आपको अटैच करना है, राइट? सो ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद गैंट चार्ट, जस्ट लेट मी नो. यस स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट गैंट चार्ट. Yes, clear. Chalo, very good. So, I know if you just put it as it is also, there is no problem because that is actually designed in such a manner that it will fit to most of the students. Okay? Yes. So, next, which diagram you have to put in planning? Planning ka next diagram kya hai? That. What is the next diagram for planning? Yes, this is the next diagram, that is PERT chart. Okay, so PERT chart, I think all of you must be clear that we have the start, then we have the activities one after another, and then later on we have to write the टाइमलाइन. ओके, मतलब कब हमने वो एक्टिविटी स्टार्ट की, व्हेन वी हैव फिनिश्ड द एक्टिविटी. सो दिस दिस PERT chart, it is also created which will actually suit most of the project because there's idea finalization, then requirement gathering, then requirement detailing, design and prototyping. So this is the Gantt chart for semester 5, and review and planning, it will be a continuous process. Okay, it will start from week 0 and it will continue till the end. So these two activities, they will go in parallel. That's why we have created this Gantt chart. Okay, so all of you are clear with this. So Gantt chart and PERT chart, jo bhi hum log de rahe na, that you can put it as it is. If you want, you make changes as per your requirement. Otherwise, you can just put it as it is. So two more pages I have given you. Now let me quickly go to see, these are some of the black books which I had got in the last year. So this is one black book submitted by So this is the black book submitted by one of my students. So I am going to share this black book with you all so that you can get an idea that where to put what. Is it clear? This is a semester 5 black book. This I am going to share. So declaration. सी ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि डिक्लेरेशन ऐसे, हाँ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट बराबर यही फॉर्मेट लेना है, बट एक्नॉलेजमेंट के लिए यू कैन राइट टेक योर ओन फॉर्मेट. ओके,
then table of contents. Okay, you have to keep it as it is. See, abhi wo page numbers, just as a content dialogue, na, page numbers automatically has to change. So you have to just click and update the contents. Okay, वहाँ पे click करके update table करना है, तो automatically page numbers will be changed. Is it clear? Yes. So this black book will give you as a sample. This is the list of tables that are used in the project. ये जो list है, ये भी आपको table of contents की तरह ही बना सकते हो. List of tables and list of figures की तरह ही बना सकते हो. ठीक है? See, this is in the same format. That list of tables and list of figures format. And you can start with your black book. Okay, so I had almost come to the end of the session. Now students must be worried ki kisi ka project AI pe hoga, kisi ka project machine learning pe hai, kisi ka data analytics pe ho sakta hai, kisi ka IoT pe project ho sakta hai. Okay, yahan pe ye jaisa AR ka project hai, augmented reality. Then so we are having the entire resources in our college. We can provide you the resources. Okay, so yes, for resources, what you have to do, you have to write a mail to librarian@vsit.edu.in. Amraja ma'am, aapko link dal, email address dal doge chat box mein. So Amraja ma'am will put the email address in the chat box. What you have to do, if you want some black book for reference, okay, not for copying, only for reference, then you will send a mail to librarian@vsit.edu.in. So she will send you a link of black books which you can refer. Email ID is posted in chat box. Kindly refer to it. So whenever you need to refer to any format of the black book, you can contact librarian ma'am and get the black book from there. And make sure that you are not copying anything from the black book, because then you will be caught under plagiarism, as ma'am has already explained. Yes, students, so I have completed my session and your black book submission is on 20th of October. Okay, final submission of black book is on 20th of October. You have to finally submit your black book to the guide. Okay, so aapko सैम्पल्स चाहिए, आपको फॉर्मेट जो भी चाहिए वो सब हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे. जस्ट मेक श्योर दैट यू कंप्लीट इट. And one more thing I would like to add, ma'am, please try to submit black book before the last date. Okay, एकदम लास्ट डेट का वेट मत करो, बिकॉज गाइड मे हैव टू सजेस्ट सम चेंजेस टू यू. आप थोड़ा बहुत मिस्टेक्स करते हो, ओके, तो आपको थोड़ा जल्दी सबमिट करना है. सार्थक, इट इज अर्ली, आई नो दैट, बट अभी एग्जाम तुम्हारा पास आ रहा है, तो यू हैव टू सबमिट द ब्लैक बुक एंड गाइड विल हैव टू सी इफ यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट. तो उसमें से मिस्टेक्स पॉइंट आउट होंगे, उसमें चेंजेस होंगे. ओके, तो प्लीज गिव योर गाइड टाइम टू मेक और सजेस्ट सम चेंजेस, सो योर ब्लैक बुक विल बी प्रॉपर एंड इट विल ऑल्सो गेट गुड मार्क्स. ओके, सबमिट करना है, इसके लिए सबमिट मत करो. प्रॉपरली कंप्लीट करके जो क्या बोलते हैं, विदाउट एनी मिस्टेक वाला ब्लैक बुक सबमिट करो, सो यू विल गेट गुड मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर ब्लैक बुक. ओके, तो अभी काम पे लग जाओ. अभी एग्जाम पास आ गया है, टाइम पास थोड़ा बाजू में, और अभी काम करना चालू. ओके, एंड नॉट जस्ट दैट, एज मैम हैज टोल्ड दैट ऑन थर्ड पेज यू हैव टू अटैच सर्टिफिकेट्स of you know, that is a certification page. मतलब आप आविष्कार या फिर और कोई project competition में participate करते हो या फिर और कोई course करते हो related to your project. Okay, तो उसके लिए वो certification page होता है, and we are giving you chance to fill that certification page. So that chance is the next workshop, which will start at 12 o'clock, ma'am. Yes. हाँ, so 12 noon को आज ही वर्कशॉप चालू होगा, सो यू विल हैव अ गुड चांस टू कंप्लीट दैट थर्ड पेज. तो आज ही वो थर्ड पेज आप कंप्लीट कर सकते हो बाय अटेंडिंग दैट वर्कशॉप एंड गेटिंग द सर्टिफिकेट. यू आर गोइंग टू गेट द माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर वर्कशॉप. ओके, तो डोंट मिस इट, अटेंड द वर्कशॉप एंड डू द सर्टिफिकेशन कोर्स सो एज टू गेट द थर्ड पेज फुल. तो आपका एक जो नेसेसिटी है ब्लैक बुक का, तो वो तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा. सो इट वोंट बी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्लीट द ब्लैक बुक इन टाइम. Yes, ma'am. Yes. Amrita, please post the feedback form. I'll post all the documents.
I think if I post it here, they all will be able to get it, right? All the documents that I have explained. Yes, so students, I'll be posting all the documents over here. आप लोग चैट बॉक्स में से सब इन्फॉर्मेशन लो. library@vsit.edu.in यहाँ पे आपको मेल डालना है इफ यू वॉन्ट ब्लैक बुक्स. ओके, एंड इफ आई एम टेलिंग यू सीरियसली, इफ यू वॉन्ट टू डू कम्प्लीट योर ब्लैक बुक, इट विल ओनली टेक 1 week टू कम्प्लीट. So 5 minutes are there. We request you all to give the feedback. We have kept it short because you will be able to understand. Okay, ज़्यादा लंबा session रखेंगे तो then you will lose your interest. तो हम लोगों ने एक ही घंटे का session रखा है, but आपको content हम सब दे रहे हैं. आपको कहाँ से क्या data मिलेगा? Everything we are giving you. Can we complete it in a PDF? PDF नहीं, पहले आप word document में complete करो. Guides अपने जो प्रोजेक्ट गाइड है ना, उनसे आपको पूरा इंफॉर्मेशन लेना है. प्लस क्या करना है, उनसे कंफर्मेशन लेना है कि यस, ये जो कंटेंट्स आपने डिजाइन किए दैट एवरीथिंग इज प्रॉपर, एंड इफ दे गिव द कंफर्मेशन देन ओनली यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पीडीएफ एंड सबमिट. एंड थैंक यू पुष्पा मैम, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड गाइड्स, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कंडक्टिंग दिस वेरी यूजफुल सेशन, एंड आई होप ऑल द स्टूडेंट्स विल मेक यूज ऑफ इट and apply it in their black book. Thank you students for attending the session. I know it's very important session for you. From Monday onwards we are having our next midterm also, so midterm too, please be prepared for that. I'm telling you seriously, if you work on it, it won't take more than 1 week to complete. Okay, so Gantt chart, word chart, start pages of black book, and the for reference Karan Siddhant's black book. I'm posting it in the chat box. Okay, so I'll not be sending it through any other links. Jitne logon ne session attend kiya na, only they will get these copies, and I'll not send it again to any other students. या फिर अगर already तुम लोगों को कहीं से मिला है तो it's good, but जो भी हम session रखते हैं उसमें आपको attend करना compulsory है. Later to project. If you have any doubt or anything, please ask. I hope it's posted in the chat box. Pushpa ma'am, yes, you will have to stop the recording because I'm no more presenter, so I'm not able to stop the recording. Yes. Okay. So how many students have given the feedback? Just let me know in the chat box once you are.